क्या हुआ? नहीं, फोन आ रहा है मोटी पे। आप लोग चलिए मोटी पे ना, हूँ एक फोन पे जरा बात करके आता हूँ। हेलो फिर पंडित जी, वो मेरे बेटे और बहू की मियाँ के बाद की पहली मकर संक्रांति है, तो साल की पहली आरती अगर उन दोनों के हाथ से हो जाए तो इस शुभ कार्य से उनके सुखी विवाहित जीवन को बहुत आशीर्वाद मिलेगा। जी जरूर आशीर्वाद मिलेगा। दोनों हाथ में पुष्प लेकर के यज्ञ नारायण भगवान को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान। चाहे भैया जैसे भी हुआ और उसके बाद भी जो हुआ, लेकिन इस हवन से इनके वैवाहिक जीवन की शुभ और नई शुरुआत हो जाए बस। रुक जाएंगे। अंबे माँ की पहली आरती का मौका तब से नई जोड़े को मिलना चाहिए ने, है ने? जी हाँ। और ये देखिए, ये नया जोड़ा, ऐसा लगता है अभी शादी हुई है, बहू के हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है। हाँ बराबर है। यजमान आप लोग आगे आइए। जी रूपेश, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं रूपेश, हमसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। जायदाद की वजह से हमने आप सब लोगों को बहुत बहुत तकलीफ दी। मैंने भी आप दोनों के साथ बहुत ज्यादती की है, हो सके तो मुझे भी माफ कीजिए। और हमें इसकी सजा भी भुगतनी पड़ी है, लेकिन उपेंद्र और ऋषि का ये सब कुछ भूल भुला कर हमें सही राह दिखाई। इतना सब कुछ होने के बाद भी उपेंद्र और ऋषि का ने मेरी बेटी की जान बचाई, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मोटा भाभी, जो हुआ उसे भूल जाइए। देखिए आज इस शुभ अवसर पर हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अब पटेल निवास में हमारा और तुम्हारा दोनों का परिवार रहेगा। क्या अंबे माँ, आपकी माँ ने सुन लिया, अब तो ये जाएंगे अपने घर। शमशेर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने दिन हम लोगों को अपने घर में रखा, हमारी मेहमान नवाजी की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे काम के लिए जाना है, आऊं निकलता हूं। रूपेश आ चलिए, बड़े स्वागत के साथ अपने घर चलिए। इशिका बहन घर चले। हम अपने घर जा रहे हैं, हमारी बेटी अपने। तो क्या मतलब बाद में बताऊंगी। ईशु अपना आंचल फैलाओ।
बताओगी? क्या बताऊं? वो मतलब मतलब क्या? मम्मी जी, रूप पूछेगा, आज तुम लोगों के लिए बहुत शुभ दिन है। लो, अपने हाथ से दान करो। ए रूपेंद्र, मैं नीचे जा रही हूँ, गाड़ी में बैठी हूँ, तुम लोग जल्दी फटाफट आ जाओ, लुटाओ मेरे भाई के पैसे। अच्छा लगा। सरप्राइज! अरे हार्दिक, वंदना, तुम लोग सब। ये क्या हो रहा है? हाउस पार्टी। ये सरप्राइज था इसलिए आपको बताया नहीं। ये इशिका और मैंने मिलकर प्लान किया था। अब पार्टी घर के बाहर नहीं हो सकती तो घर के अंदर तो हो ही सकती है ना? वाह, क्या आइडिया है या घोड़ी, आओ बेकार आइडिया है। हटो सब, आ गए मुफ्त का खाना खाने, हटो। पार्टी। अच्छा, मैं जरा ये पूजा की थाली रख के आती। और हर साल की तरह रूप इस साल भी पूरे मोहल्ले की पतंग काटेगा, सिर्फ एक ही छोड़ के। मेरी अब अपने टक्कर वाली काइट फ्लायर से पाला पड़ेगा, तब पता चलेगा, है ना? आर यू सीरियस? रियली? हाँ। अच्छा, अब अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो क्यों ना कंपटीशन हो जाए? हाँ, तो चैलेंज एक्सेप्टेड रही। और वैसे भी मुझे ना इसी का भाभी पर ज्यादा भरोसा। अरे भरत, वहां के खड़े ना, जो जो भाभी तरफ है फटाफट। अरे हम जीतने वाले हैं, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा इनका। तो फिर चैलेंज एक्सेप्ट किया। अच्छा, बंदू पार्टी बदलू, दोस्त मेरी और साइड रुपेंद्र की ले रही है। अगर तू इन लड़कों की भाभी बन सकती है तो क्या मैं रूप की साली नहीं बन सकती? राइट रूप दीदी। अब साली जी ने कहा तो राइट तो होगा ही ना। इसी की तो मजा आएगा ना, जब जीजा साली की टीम देवर भाभी की टीम को हरा देगी। सपने देख लो। शराब। जीतेंगे तो हम, देख लेना। देख लेंगे। अच्छा चलो, तुम लोग जाके अपना पतंग उड़ाने का कार्यक्रम शुरू करो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नाश्ता, चाय, कोल्ड ड्रिंक भिजवाती हूँ। चलो चलो गाइस, चलो। अच्छा, हाय। हेलो, आप यहाँ? क्या इसका जवाब मैं अंदर आके दे सकता हूँ? आई। अनीश, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। ये तुम्हारी पतंग है, पकड़ो। और तुम मेरी टीम में, कोई सवाल जवाब नहीं, चलो जल्दी आओ मेरे। चलो 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 चलो। अरे मैं भूल गया। अरे खड़ो, चलो, चलो, चलो। सब रेडी है? यस। वन, टू, थ्री, गो। कम ऑन भाभी। इशिका थोड़ा संभाल कर, कहीं तुम्हारी पतंग कट ना जाए और मैं जीत ना जाऊं। भरी दोपहरी में ना सपने देखना बंद कर दो, चैंपियन के साथ खेल रहे हो तुम। मी टू।
पहले ये तो बताओ कि तुम अपने मम्मी पापा के साथ गई क्यों नहीं? इसका मतलब? मतलब आज? आज? I love. I love. I love. मकर संक्रांति वी लव मकर संक्रांति टू राइट बाबा खींचो 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 मेरा रुपेंद्र संभाल के अगर पतंग कट गई तो नाक कट जाएगी अरे इतना आसान है क्या पतंग काटना पतंग पे ध्यान दो हराने वाली हूँ तुम्हें नो चांस कर देती हूँ नहीं आप लीजिए ना अरे रुक थोड़ी और ऊपर करो ना इशिका के पतंग काट ही दो चीटिंग से पतंग काट ली अब मैं बताता हूं
गाय पोछे, गाय पोछे।